स्वदेशी जागरण मंच यह 1991 में गठित हुआ। अपने देश की आर्थिक नीतियां ये भारत के दृष्टिकोण से और भारत के हित में बने, रोजगार युक्त, रोजगार पैदा करने वाली आर्थिक नीतियां बने, इसमें स्वदेशी जागरण मंच प्रमुख रूप से भूमिका निभाता है। छोटे कार्यक्रम से लेकर केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता से लेकर WTO की वार्ताओं में शामिल होने तक स्वदेशी जागरण मंच संपूर्ण देश और दुनिया के अंदर आर्थिक नीतियों का पुरोधा संगठन है। वर्तमान में स्वदेशी जागरण मंच ने एक अभियान लिया है जिसमें चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को केंद्र में रखा है और उस अभियान का नाम है राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान। यह अभियान गत 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती से प्रारंभ हुआ है और उसका एक बड़ा कार्यक्रम 29 अक्टूबर को दिल्ली में होने जा रहा है, रामलीला मैदान दिल्ली में। हम सबको मालूम है कि चीन के साथ हमारा व्यापार एक अलग प्रकार की प्रक्रिया में चला गया है और वो व्यापार में हमारे को लगातार नुकसान हो रहा है। चीन से हमारा गत वर्ष $62 बिलियन का आयात हुआ, इंपोर्ट्स हुए, और हमारा निर्यात हुआ है केवल $9 बिलियन का, लगभग $53 बिलियन का हमारे को ट्रेड डेफिसिट है। दुनिया भर के 190 कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड चलता है। फ्रॉम 190 कंट्रीज वी आर फेसिंग मोर देन $120 बिलियन ट्रेड डेफिसिट एंड इन दैट $120 बिलियन ट्रेड डेफिसिट वी आर फेसिंग $53 बिलियन ट्रेड डेफिसिट ओनली फ्रॉम चाइना। और उसका प्रमुख कारण है कि चीन ने नॉन एथिकल तरीके अपनाकर अपनी वस्तुओं को सस्ता किया है और प्रत्येक चीज में वो इस समय पर भारत सहित दुनिया की मार्केट में अपनी पैठ बना रहा है। सामान्य पेन पेंसिल से लेकर पावर टर्बाइन्स तक सब प्रकार के उसने और अपना सस्ता माल भारत में भी डंप करना शुरू किया है। भारत ने पिछले 2-3 वर्षों से चीन से चल रही हमारी ट्रेड वार्ताओं में भी इसको प्रमुखता से उठाया है और किंतु ध्यान में ऐसा आ रहा किया है, इसमें आम जनता को भी जगाना, इंडस्ट्री और ट्रेड बॉडीज को भी जगाना, उनसे भी वार्तालाप करना और विभिन्न स्तर की, प्रांत की और केंद्र की सरकारों से भी बातचीत करके उनको चीन के खिलाफ इस चल रहे अभियान के अंदर सहयोग करना, क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच मानता है अंतरराष्ट्रीय ट्रेड में जहां हम आगे बढ़ सकते हैं ऐसे सब मुद्दों पर रोक रहा है और अपना सस्ता माल यहां डंप कर रहा है, उसको रोकना इस देश का एक राष्ट्रीय कर्तव्य हो गया है, इसलिए भी हम इस विषय को आगे ले जा रहे हैं। ऐसे जियोपॉलिटिकल सीन के ऊपर, बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर, हमारे ट्रेड डेफिसिट के ऊपर और हमारी मैन्युफैक्चरिंग और हमारे रोजगार के ऊपर एक बड़ा असर पड़ रहा है, उसका निवारण करने के लिए राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान इस समय पर सारे देश में चल रहा है। देश का कोई ऐसा प्रांत नहीं है जिसमें यह अभियान नहीं चल रहा हो और बड़ा सफल अभियान चल रहा है। हम आश्वस्त हो रहे हैं कि अगले 2-3 सालों के अंदर इसके परिणाम जो है बहुत स्पष्ट हो जाएंगे और जो ट्रेड घाटा है वो भी ठीक हो जाएगा और बॉर्डर सिक्योरिटी के इश्यूज पर भी भारत एक बड़ी ताकत के रूप में निश्चित रूप से उभरेगा। अब इसके पश्चात आप लोगों में से किसी को बात करनी है तो कर सकते हैं। अभियान में लोगों का फीडबैक कैसे मिलता है? ऐसा है, स्वदेशी जागरण मंच के अधिकारी लगातार प्रवास कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आज दिल्ली से आया हूँ,
13 दिन से लगातार मुंबई का प्रवास कर रहा था, तो फीडबैक लोग दे रहे हैं वहाँ से जाकर, क्योंकि सारे देश में स्वदेशी जागरण मंच के जो 10 प्रमुख पदाधिकारी हैं इस समय लगातार टूर पर हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन इस समय आसाम साइड गए हुए हैं, हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं वो इस समय पर उड़ीसा के दौरे पर हैं, हमारे डॉक्टर अश्विनी महाजन ये दिल्ली और नॉर्दर्न स्टेट्स कवर कर रहे हैं, तो हम जब लोगों से मिलते हैं तो वो फीडबैक देते हैं, उस फीडबैक के आधार पर मैं आपको मिलता हूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप की बात, अभी तो यही स्टेप बड़ा प्रभावी चल रहा है, मैंने जैसे कहा है कि हम लोग ट्रेड बॉडी से बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री बॉडी से बात कर रहे हैं कि चीन का माल जिस रेट पर आ रहा है उस रेट पर भारत की इंडस्ट्री ने भी माल देना चाहिए। एक उदाहरण बताता हूँ, अभी मैं 15 दिन पहले देहरादून गया था, देहरादून में दिवाली की ये जो लाइट बनती हैं सीरीज बनती हैं इसका पुराना वहाँ पर इंडस्ट्री है, वो 200 वहाँ इंडस्ट्री वो है यूनिट्स हैं, किंतु सस्ते और चीनी सीरीज के कारण से वो जो देहरादून की इंडस्ट्री है सीरीज इंडस्ट्री, ये लाइट सीरीज इंडस्ट्री, ये लगभग ठप हो गई, लगभग बंद हो गई, किंतु पिछले वर्ष कुछ प्रयत्न हुआ, इस बार हमने उनसे बातचीत की, तो इस बार वहाँ पर देहरादून के उनका कहना था, इंडस्ट्री का कहना था, हमने करोड़ों रुपए का माल तैयार कर लिया है इस बार, इस उस पर ये सोचकर कि चीन का माल अगर सस्ता रहा तो भी वो नहीं बिकेगा, और हमारे को विश्वास है क्योंकि पिछली दिवाली पर हमने देखा था कि लोगों ने महंगी लड़ियां भी खरीदी लेकिन चाइनीज माल पिछली बार नहीं खरीदा, इस बार तो बिल्कुल नहीं खरीदने वाले, इसलिए देहरादून की इंडस्ट्री ने इस पर की चर्चा चलाई। लेकिन हमने उनसे कहा कि जो सीरीज लड़ी चीन की 40 रुपए में बिक रही है आपने 45 रुपए तक में तैयार कर दी, 50 रुपए में तक में तैयार कर दी तो ये तो चलेगा, किंतु अगर रेट का डिफरेंस 100 रुपए या 120 रुपए का रहा तो ये उचित नहीं है। उनसे बातचीत किया, उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम इस बार काफ़ी कम्पिटिटिव रेट्स के ऊपर और ठीक क्वालिटी की, जिसमें 80% तक उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी ऐसी है कि 20% हमारे को अभी इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, लेकिन 80-85% तक हम इसमें भारतीय कंपोनेंट लगाकर और ये सीरीज तैयार कर देंगे, अगले साल तक उनका कहना था कि हम 100% कर लेंगे, लेकिन इस साल हम 80-85% तक हमारी जो बिजली की लड़ियां हैं ये स्वदेशी होंगी और सारे देश में हम बड़ी मात्रा में सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे हम अलग अलग इंडस्ट्री ग्रुपों को भी प्रोत्साहन कर रहे हैं कि ना केवल दिवाली की आइटम, बाकी सब आइटमों के मामले में भी वो भारतीय चीज और स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देने का प्रयोग करें, ऐसा सारे देश में हमारा सब तरफ प्रयत्न। अक्टूबर को दिल्ली रामलीला मैदान के अंदर राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा सम्मेलन होने वाला है, 1,00,000 लोगों की सभा होगी, सारे देश से ये लोग आएंगे, स्वदेशी प्रेरित और स्वदेशी का इस देश में विचार रखने वाले ऐसे बड़े अर्थशास्त्री, विभिन्न संगठनों के अगुआ, किसान संगठनों के, मजदूर संगठनों के, इंडस्ट्री संगठनों के अगुआ, ये सब उस दिन करके भेजते हैं क्योंकि क्वालिटी तो अच्छी होती नहीं है, सस्ता करके लोग भेजते हैं। अब ये लगने के कारण से स्टील के सेक्टर में हो, प्लास्टिक के सेक्टर में हो, केमिकल के सेक्टर में हो, पावर सेक्टर में हो, इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने से और काफी सारी चीजों में चीन का माल प्रतिबंधित होना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ में हो गया है लेकिन कुछ में होना हो जाएगा। लेकिन हम इंडस्ट्री और सरकार, केंद्र सरकार को बार बार चाहते हैं इसको युद्ध के स्तर पर ही लेना चाहिए, इसलिए सरकार कुछ मात्रा में हुई है सीरियस, लेकिन जितनी मात्रा में हम चाहते हैं उस पर आने में जरा समय लगता है, लेकिन हमारे को लगता है कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर अवेकनिंग का लेवल जो होता है, अवेकनिंग का लेवल जो होता है वो अल्टीमेटली सेंट्रल सरकार की या स्टेट सरकार की पॉलिसी को डिसाइड करता है, अवेकनिंग का लेवल अगर बढ़ा दिया जाए तो सरकार के निर्णय भी उसी रूप ज्यादा तेजी से होंगे, ऐसा हमारा।
आपका प्रश्न क्या है?